हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका जैसे ईआरटी के डीजी स्कूल में। और आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक नई पोएम या कविता जिसका नाम है माई हाउस। हाउस मतलब मकान। जिस तरह आपके शरीर के बहुत सारे अंग या पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक हाउस के भी बहुत सारे हिस्से या पार्ट्स होते हैं। तो पोएम को पढ़ने से पहले चलिए हम पहले कुछ पार्ट्स के नाम इंग्लिश में रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम मिलकर इस मजेदार पोयम को पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम जब घर के अंदर आते हैं तो उस घर के अंदर आने के लिए हमें चाहिए एक दरवाजा, है ना। उस दरवाजे को हम इंग्लिश में कहते हैं डोर, याद रहेगा ना। और दरवाजे के अलावा आपके घर में रोशनी आ सके या हवा आ सके, इसके लिए आपने देखा होगा घर में बनी होती हैं खिड़कियां, है ना। और खिड़की को हम इंग्लिश में कहते हैं विंडो। तो हमने हाउस के दो पार्ट्स को जाना, एक है डोर दरवाजा और विंडो वो है खिड़की। अब हाउस के अंदर में यानी मकान के अंदर आपने देखा होगा जो मकान की जमीन होती है कभी मिट्टी की बनी होती है, हाँ कभी सीमेंट के भी, कभी टाइल्स भी बिछे होते हैं। तो उस जमीन या फर्श को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, हम कहते हैं फ्लोर। फ्लोर यानी फर्श या जमीन। हमारे घर के आसपास अक्सर एक चार दीवारी या बाउंड्री वॉल होती है ताकि कोई जानवर या ऐसे बिना चाहे कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर ना आ सके। तो उस चार दीवारी में भी एक फाटक लगा होता है ना, उसे हम कहते हैं गेट। आपने हिंदी में भी इस शब्द को जरूर सुना है गेट, गेट यानी फाटक। और आपने ये भी देखा होगा कि किसी किसी के घर में हम जब अंदर आते हैं तो उनके दरवाजे के बाहर या फाटक के पास बहुत सारी सीढ़ियां होती है ना। सीढ़ियों को हम कहते हैं स्टेप्स। और आपके घर के चारों ओर या घर के आंगन में कभी कभी हमें बगीचा भी मिलता है। बगीचे में हम फूल लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, हमारा घर कितना सुंदर लगता है, तो उसे हम कहते हैं गार्डन। अब बच्चों, आपके मकान में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कमरे बने होते हैं। जैसे आप किसी कमरे में सोते हो, किसी कमरे में आप नहाते हो, तो ये जो कमरे है ना इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रूम्स। तो चलिए बच्चों, इस मकान की सैर पे चलते हैं और देखते हैं कि इस हाउस में कौन कौन से पार्ट्स हैं। आई हैव वन लिटिल हाउस विथ अ ग्रीन डोर। मेरे पास एक छोटा सा घर या मकान है ना, लिटिल हाउस विथ अ ग्रीन डोर। आप देख पा रहे हैं इस हाउस में डोर का कलर क्या है, ग्रीन हरा, गुड। एंड अ वेरी शाइनिंग फ्लोर। और हमने अभी जाना कि फ्लोर हम फर्श को कहते हैं, तो ये मकान का जो फर्श है ना फ्लोर है, फ्लोर बहुत शाइनिंग यानी चमचमाता है। टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड। हाउस के बाउंड्री वॉल में दो गेट लगे हैं, ध्यान से देखो। और दोनों गेट किस कलर के हैं, ब्राउन या भूरा। तो टू ब्राउन गेट्स यानी दो भूरे रंग के गेट हैं, दैट ओपन वाइड। जब खुलते हैं ना तो बिल्कुल बड़ा सा वो गेट खुलता है, चौड़ा हो जाता है। थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड। उस हाउस के बाहर में तीन स्टेप्स है या तीन सीढ़ियां हैं जो रेड कलर की हैं, और उसमें चढ़ के हम इनसाइड या घर के अंदर पहुंच जाते हैं। फोर लिटिल रूम्स पेंटेड वाइट। अब हाउस के अंदर में कितने रूम्स हैं, फोर रूम्स है ना, चार कमरे, फोर रूम्स
जो बिल्कुल वाइट पेंट किए हुए हैं, यानी उसमें सफेद रंग किया हुआ है, 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, और जिस तरह से फ्लोर चमचमा रहे हैं उस हाउस में, जो विंडोज हैं या खिड़कियां हैं वो कितनी हैं? यस 5, वो भी बिल्कुल शाइन या चमक रही हैं। अब बच्चों घर के बाहर देखो, एक गार्डन है और गार्डन में ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, और घर के बिल्कुल नजदीक कुछ ये फ्लावर्स हैं, दिख रहा है ना? अब देखिए कितने फ्लावर्स हैं, 6 येलो फ्लावर्स स्ट्रेट एंड टॉल। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर? येलो, यानी कि 6 पीले फूल खिले हैं, और कैसे खिले हैं? स्ट्रेट, एकदम सीधाई पे, एंड टॉल, ऊंचे ऊंचे, ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। और वो कहाँ उग रहे हैं? जो मकान का वॉल है या दीवार है उसके बिल्कुल पास। अब हम पढ़ते हैं पोएम जिसका नाम है माई हाउस। I have one little house with a green door and a very shining floor. 2 brown gates that open wide. 3 red steps that lead inside. 4 little rooms painted white. 5 little windows shining bright. 6 yellow flowers, straight and tall, growing up against the wall.